क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताकि आप देख सको वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इस वीडियो में इंट फंक्शन के बारे में बताना लूँ, तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कैसे कंकनेट करते और कैसे उसके साथ ज्वाइन करते, जो कि कोई भी स्ट्रिंग जो भी रहेगा वो इंटीजर के साथ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं इंट फंक्शन के बारे में थोड़े और भी डिटेल्स में बताऊँगा। तो मैं एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम हमारा कोडिंग विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं, तो विजुअल कोड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, इसके साथ गिट बेस कैसे इंटीग्रेट करना है, तो इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ट में मिल जाएगी। तो मैं int.py के नाम से मैंने पाइथन की एक फाइल क्रिएट कर ली। तो मैं यूज़र से दो नंबर इनपुट करा देता, तो एक प्रोग्राम लिख देता हूँ मैं, नंबर वन इक्वल टू तो आप देख सकते हो यूज़र से मैंने दो नंबर इनपुट करा दिया। अब इन दोनों नंबर को मैं है ना ऐड करा देता हूँ, जैसे कि मैं टोटल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर मैं दोनों नंबर का एडिशन स्टोर करा दूंगा, नंबर वन प्लस और नंबर टू। तो इसी तरह हम हमारे प्रोग्राम्स जो रहते हैं एडिशन के इस तरह करते हैं। तो इसके अंदर मैं इसे रन करूंगा, तो आपको क्या लगता है सक्सेसफुली एडिशन हो जाएगा या नहीं होएगा? तो इसे मैं रन करके बताता हूँ। इसे मैंने सेव किया और इसके बाद फिर मैं इसको जो टोटल है इसे प्रिंट भी करा देता हूँ। और इसे मैं सेव करता हूँ। अब मैं इसे तो आप देख सकते हो एंटर फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ 5 और एंटर सेकंड नंबर तो मैं 6 डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो 5 और 6 दोनों में डाल रहा, तो आप देख सकते हो ये 56 आंसर आ रहा। तो ये दोनों का ऐड होकर 11 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी आप इनपुट यूज़र से ले रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ आप ले रहे हो, तो इधर आप देख सकते हो वैल्यू जो भी वेरिएबल में स्टोर होगा, इस नंबर के वेरिएबल में, वन में या टू में, किस में भी, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी काफ़ी लोगों को ये लगा रहेगा कि दोनों को ऐड कराऊंगा तो 5 और 6 डालने के बाद 11 आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर आपको इधर देख सकते हो जो नंबर वन और नंबर टू है, तो इन दोनों को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर मैं इंटीजर पर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इधर आपको स्टार्टिंग में INT लगानी पड़ेगी। अब इसे मैं सेव करता हूँ, अब मैं रन करता हूँ और 5 और 6 में वापस एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा 11 आंसर आ गया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि ना जो ये मैंने ऐड किया डायरेक्ट है ना 11 आ जाना चाहिए था। यदि आप इंटीजर इधर INT लगा सकते हो, या फिर आप जब यूज़र से इनपुट ले रहे हो तो उसके पहले आप इधर इंटीजर लगा सकते हो। तो इधर ये जो इनपुट फर्स्ट नंबर, इसको पूरा आपको ब्रैकेट में डाल देना है। तो आप देख सकते हो इधर जब यूज़र से आप है ना इनपुट कराओगे, तो उसके पहले इसे इंटीजर को, जब वो यूज़र इसके अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा तो इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। तो इधर आप INT लगा सकते हो। और अब मैं आपको एक और दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये प्रिंट कराया टोटल वैल्यू, तो मैं इधर है ना कुछ वैल्यू इधर कुछ स्ट्रिंग में ले लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ टोटल इस, और बाद में फिर मैं इसे ज्वाइन करा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैं ज्वाइन करा देता हूँ और इसे मैं रन करूँगा तो भी एक एरर आएगा। किस टाइप का एरर आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं एंटर फर्स्ट नंबर 6 नंबर, तो आप देख सकते हो ये यूज़र का, यूज़र से वो नंबर तो ले लिया, पर आगे देख सकते हो स्ट्रिंग मस्ट नॉट बी इंटीजर, जो कि जो स्ट्रिंग है वो साथ में इंटीजर के साथ में कंकनेट नहीं हो सकता है। यदि आपको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इधर तो हमारा कैरेक्टर है तो उसे तो हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर इधर जो हमारा ये इंटीजर है उसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इधर ये स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, str लगाना पड़ेगा, और इसे मैं वापस से रन करता हूँ और सेव करके इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर 5, सेकंड 6, तो देख सकते हो टोटल इज 11, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये चीज़ें आप कभी भी याद रखिए। और इधर फ्लोट भी आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, नंबर 1 इक्वल टू तो आप देख सकते हो इधर स्ट्रिंग का वैल्यू मैंने लिया, ये इंटीजर है तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर मैंने सेकेंड वाला इंटीजर लिया और ये मैंने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली जो स्ट्रिंग है वो 11 इंटीजर में, जो नंबर 2 में वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और इधर आप देख सकते हो नंबर 3 नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैं इधर ये फ्लोट ले लेता हूँ,
ये मैंने फ्लोट लिया है और ये 12 वैल्यू जो स्ट्रिंग में अब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर फ्लोट में हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ नंबर 3 जो तीसरा नंबर है उसे मैं प्रिंट करता हूँ, सेव करके इसे मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो 12 था ये हमारे स्ट्रिंग में था, अब ये फ्लोट में हो गया 12। अब हम इंटीजर और फ्लोट दोनों का एडिशन करके देखते हैं कि एडिशन होता है कि नहीं। तो इधर प्रिंट बाद में फिर मैं नंबर 2 प्लस नंबर 3, अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके इसे मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने सेव करके इसे रन किया तो इधर ये 23 जो कि 11 और 12 दोनों प्लस करते तो 23 होता है। तो ये हमारा इंटीजर और फ्लोट दोनों एडिशन हो गया है। पर एक चीज़ याद रखिए कि आपको है ना जो आंसर रहेगा वो है ना फ्लोट में आएगा, हमारा ये फ्लोट में आंसर आएगा जो कि इंटीजर में नहीं। तो इतनी सी बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो इतना सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और पाइथन है ही बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बेसिक से लेकर एडवांस पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जाते थे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर रेड कलर का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ ऐसे वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनको भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली वो सीख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।